हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं सिखाऊंगा कि देखिए कैसे आम बनाया जाता है, और मैं ये आम बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा पेंट वाले सॉफ्टवेयर में, जो कि सभी कंप्यूटर में उपलब्ध रहता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करें, और उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएं और इसे आप एक्सेसरीज में मिले खोजें। एक्सेसरीज में आपको पेंट मिलेगा, इसको क्लिक करें। देखिए स्क्रीन पर ये पेज वाइट पेज निकल के आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आम बनाना है। तो इसके पहले आपको यहाँ समझना है कि ये एक रिबन है। पहले समझना है कि यहाँ दो टैब हैं, एक होम है और एक व्यू टैब है। होम टैब में एक रिबन है, ये देखिए ये पट्टी जैसा जो है वो रिबन है। इसमें ब्लॉक्स हैं, जैसे क्लिप बोर्ड एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है इमेज, तीसरा ब्लॉक है टूल्स, और चौथा ब्लॉक है शेप्स, और पांचवा ब्लॉक जो है वो कलर्स का है। तो यहाँ पे जो टूल्स वाले ब्लॉक है, इसमें देखेंगे कि एक पेंसिल है, और इस पेंसिल से ड्राइंग किया जाता है। जैसे कि आप हम लोग नॉर्मल एक ड्राइंग पेज पर एक पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एक पेंसिल मिला हुआ है। लेकिन इसको क्लिक करते हैं, और इसका हम लोग माउस की मदद से, माउस पे अगर कंट्रोल है, कमांड है, तो हम अच्छे से कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे पेंसिल पे हमारा कमांड होता है तो हम पेपर में बहुत अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं, उसी तरह से अगर माउस पे कमांड हो तो यहाँ पे भी हम लोग अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए मैं आपको एक मैंगो बनाकर दिखाता हूँ। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है मैंगो बनाना, और ये कैसा बनता है देखते हैं। ये एक मैंने कोशिश की है और लगभग ठीक ठाक ही बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मैंगो है। अगर एक बार में सही नहीं बने तो हम लोग और भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अच्छा करने के लिए। जैसे कि देखिए ये कि इरेजर है, इरेजर पर क्लिक करेंगे और ये छोटा सा इरेजर आ रहा है, तो आपको इसको साइज़ बढ़ाना है। तो कीबोर्ड में आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और प्लस को आप प्रेस करके रखेंगे तो ये साइज़ मैक्सिमाइज होता है, और अगर कंट्रोल प्रेस करके माइनस का साइन प्रेस करते हैं तो साइज छोटा होता है। तो ये मैंने बताया कि आपका इरेजर का बड़ा छोटा कैसे करते हैं। तो चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको मिटा कर और फिर से थोड़ा एडिट करके, जहाँ जहाँ थोड़ा सही नहीं लग रहा है वहाँ पे हमको एडिट करना है। तो चलिए इसको मैंने एडिट करना है, तो फिर से पेंसिल लेता हूँ, पेंसिल पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे इसको अच्छे से इसको शेप देने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा ये राउंड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा फिर से इरेजर का प्रयोग करके इसको थोड़ा शेप राउंड को कम करना है। तो फिर से इरेजर पेंसिल लेता हूँ और इस बारी मैंगो का साइज को थोड़ा कम करता हूँ। ये भी थोड़ा ढंग का नहीं लग रहा है, तो फिर इरेजर का प्रयोग करूँगा, यहाँ थोड़ा मिटा लेता हूँ। चलिए फिर से पेंसिल लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए ये बन चुका है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा अगर हमको कहीं कहीं पर अगर सही से नहीं हुआ है तो उसके लिए हमको ये हम लोगों को मैग्नीफायर का इस्तेमाल करना है। मैग्नीफायर ये टूल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस पोर्शन में हमें अच्छा और सूक्ष्म काम करना है तो वहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे ये बहुत बड़ा लाइन डबल दिख रहा है, तो इसको हम लोग इरेजर का प्रयोग करेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा डालेंगे, और फिर से हम मैग्नीफायर का प्रयोग करेंगे और इसको छोटा करेंगे, और इसके बाद हम लोग अब बनाएंगे इसको। ये थोड़ा मिटाने के बाद यहाँ गैप रह जा रहा है, देखिए तो इसको हमको पहले मिटाना है। ये इरेजर का प्रयोग करेंगे और यहाँ मिटा लेंगे। अब इसको बारीकी से फिर से जोड़ना है, पेंसिल का प्रयोग करेंगे और फिर से हम इसको अच्छे से जोड़ेंगे। ये जुड़ गया है, और इसके बाद हम लोगों को इसको छोटा करना है, थोड़ा साइज को छोटा करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके टहनी बनाएंगे जिसमें ये लगा होता है आमतौर पर, तो इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये हम ऐसे करके इसमें कुछ बनाएंगे, और ये जो है इस टहनी से जुड़ा रहता है, तो ये टहनी ये इस तरह से बनाते हैं, और फिर एक एक टहनी हल्का पतला सा हम लोग बनाएंगे इस तरह से। मान लो टहनी बना दिया, और इसका पत्ता भी अगर हम बनाते हैं इस टहनी से जुड़ा हुआ, तो हम इसके पत्ता को बनाना है, तो ये हमने पत्ता भी बनाना है, और जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर हो रहा है उसको हम लोग एडिट करेंगे। तो
से इसका इरेजर का इस्तेमाल करके, और भी जूम मैग्नीफायर का इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैग्नीफायर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हमको डिलीट करना है। मैं चलिए, मैंने पहले बताया कि छोटा करना है इरेजर को, तो कंट्रोल प्रेस कर करके कीबोर्ड से और माइनस पे प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाए। मैंने छोटा कर लिया है ज़रूरत के मुताबिक, और यहाँ पे इसको इरेज करना और छोटा करना है मुझे, छोटा कर लेता हूँ और इसको अच्छे से बारीकी से मिटा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा लाइन मिट गया, तो मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा फिर से, और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ, इसको मैग्नीफायर का यूज़ करके मैं इसको पेज को इसको छोटा कर लेता हूँ, और थोड़ा पेंसिल का यूज़ करके फिर से थोड़ा सा इसमें मैं पत्ते को थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ, जो कि नॉर्मली पत्तों का दिखता है इस तरह से डिज़ाइन की हुई चीज़ें। अब मैं इसका कलर करूँ उससे पहले कि देखना है, चेक करना है कि कहीं भी ये सारा क्लोज फिगर में छूटा तो नहीं है, तो यहाँ चेक करता हूँ मैग्नीफायर पे क्लिक करके। ये थोड़ा सा यहाँ इसको मिटा कर मैं जोड़ता हूँ, और मैग्नीफायर का इस्तेमाल करके छोटा कर लेता हूँ फिर से। अब कलर करना है, चलिए कलर करते हैं। कलर करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो फिल विथ कलर है, इसको क्लिक करेंगे। इसका कलर फिलिंग कलर वन में जो होगा उससे होगा, तो हमको यहाँ पे पहले इसका कलर पीला करना है मुझे, और ये कलर पीला ले लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ये हो गया, तो इसका जो स्टेम है, डाली है, उसको हमको करना है, तो उसके लिए ब्राउन कलर लेता हूँ। अब ब्राउन कलर पे क्लिक करके इसको भी कर देता हूँ, और ये पत्ता जो है इसके लिए मुझे थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ थोड़ा करना पड़ेगा फिर से। देखिए मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ब्लैक कर लेता हूँ फिर से, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे बारीकी से और इसको मैं बना पाऊँ। तो मैग्नीफायर ग्लास का इस्तेमाल यूज़ करूँगा मैग्नीफायर का, और पेंसिल लेता हूँ फिर से, और चलिए बारीकी से बनाने का कोशिश करते हैं इसके टहनी को। चलिए यहाँ तक मैंने बनाया है, और इसका इरेजर का थोड़ा यूज़ करना है मुझे, और यहाँ तक फिर से इसको पत्ते डाली में मिलाना है। चलिए मैग्नीफायर का यूज़ कर रहा हूँ, और देखिए एक खूबसूरत सा मैंगो है, उसका कलर मैं पूरा करता हूँ उसके टहनी का। ये ब्राउन कलर यहाँ पे किया मैंने, और अब पत्ते का कलर देना है जो कि ग्रीन होता है आमतौर पे, तो ग्रीन करता हूँ, ग्रीन ये हो गया। अब इसका मुझे नाम लिखना है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा मैंगो। कलर जो लिखना है, कलर में जिस कलर में वो रेड होगा हमारा, तो मैंने रेड ले लिया है, और MANGO मैंगो दे दिया मैंने, मार्क क्लिक करूँगा, और सेलेक्ट करना है इसको मुझे। अच्छा सॉरी, इसको हटाता हूँ, सिलेक्शन के लिए हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका यहाँ पे इसको रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर जो इस काफ़ी वाइट दिख रहा है, वो बैकग्राउंड कलर में वो जो येलो कलर है मैंगो का वो दिखे, तो उसके लिए मुझे ये सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन, इसको क्लिक करना है, तो इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और पीछे का चीज़ दिखने लगेगा। तो इस तरह से मैंने एक मैंगो बनाया, और आप भी इस चीज़ को वीडियो को देखकर ट्राई करेंगे और इसको वीडियो को बनाएंगे। सिलेक्शन कर लिया मैंने, मैं चाहता हूँ कि पेज पर सिर्फ मैंगो रहे, और तो ये मैंने सिलेक्शन के बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, देखिए शॉर्टकट इसका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, तो ये भी आप कीबोर्ड से कर सकते हैं क्रॉप, या फिर आप क्रॉप बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा क्रॉप। इसके बाद मुझे सेव करना है इसको, तो यहाँ पे जाऊँगा और सेव पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोकेशन बताता है कि किस जगह पे सेव हो रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव होने जा रहा है, और सेव एज टाइप मैंने किस टाइप का ये सेव हो रहा है फाइल, तो PNG फाइल हो रहा है। तो यहाँ पे और भी अलग अलग फाइल के टाइप्स हैं, यहाँ से आप चुन सकते हैं कि कौन से फाइल टाइप में आपको सेव करना है। अगर आपको फ़ोटो में करना भी है तो JPEG में भी कर सकते हैं।
या फिर आपको दूसरे और कोई फॉर्मेट में करना है, जीआईएफ में करना है तो जीआईएफ में कर सकते हैं। यहाँ पे आप चुन सकते हैं फाइल टाइप, तो मैं पीएनजी ही रहने देता हूँ और फाइल का नाम कुछ दे देता हूँ, चूँकि ये मैंगो है तो मैंगो नाम से मैं दे देता हूँ और इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा सेव हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सेव किया हुआ जो मैंने कहाँ सेव किया है, तो इसको मैं मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा इस तरह से बनाया हुआ सेव हो चुका है। इस तरह से आप बहुत सारा ड्राइंग, आप पेंट पेंट जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से बना सकते हैं और अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको साथ कुछ और नया बनाने नया लेके आऊँगा वीडियो, और आपको फ़ायदा होगा उससे कुछ। धन्यवाद।